नालों की सफाई का हमने टेंडर छोड़ दिया है और सफाइयों का काम चल रहा है नाले का। और वैसे भी जो मार्केट में नाले बनने थे और जो मतलब रुके पड़े थे उसके लिए भी हमने टेंडर छोड़ दिया है और उसका काम आजकल में ही स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। ये जो ट्रैफिक लाइट्स हैं चालू करा रहे, एक दो चौक चौराहों पे चालू, ये पूरी तरह से चालू नहीं, क्या कुछ करा रहे हैं उसको? ट्रैफिक लाइट का हमने ना नगर परिषद ने ठीक करके ना पुलिस को हैंडओवर कर दिया है, वो उनका काम है चलाने का। बाकी अगर एक दो कोई खराब है तो उसको भी देख लेंगे, ठीक करा देंगे, बाकी उन्हीं की ड्यूटी है, पुलिस वाले ही चलाएंगे। मैम अगर बात करें रिवाड़ी शहर एक चिड़िया कर गए तो अतिशोक्ति नहीं होगी, ऊपर लोगों के घर पर बंदर है, नीचे आवारा पशु है और कुत्ते हैं, और इनसे कब निजात मिल पाएगी शहरवासियों को? लोग कोर्ट तक का जा रहे उन सब चीज़ों के लिए हमने ना टेंडर लगा दिए है। आवारा पशुओं के लिए भी, बेसहारा पशु है हमारा, तो क्या है, वो छोड़ देते हैं घर से लोग ना अपना दूध वगैरह निकाल के गऊ और माता वगैरह को। वो एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारा पकड़ने का काम तो हमारा नगर परिषद का है और उनको रखने का काम पशुपालन विभाग का है, तो हमने 700 के करीब तो अपने ये पशु जो है धारोहेड़ा में भेज दिया और बाकी हमने ऊपर डायरेक्टर को लेटर लिखा हुआ है कि हमें और जगह दी जाए ताकि हम इन लोगों को मतलब और पशुओं को भी वहाँ पर भेज सके। एक अतिक्रमण की बात कर ले मैडम, शहर पूरी तरह से अतिक्रमण से अटा पड़ा है, सर्कुलर रोड पर भी जगह जगह बिल्डिंग मटेरियल तक पड़ा हुआ है, आवागमन काफी बाधित हो रहा है, किस तरह देखते हो और क्या समाधान इस दिशा में किया जा रहा है? अतिक्रमण को लेकर के भी डेली ना वीडियोग्राफी करके चलान वगैरह काटे जा रहे हैं और उसके लिए मैंने अभी एक टीम गठित की है पार्षदों की कि वो लोग भी जाएंगे और अपने हिसाब से देखेंगे मौके पर, अगर अतिक्रमण हो रहा है तो वो मेरी हेल्प करेंगे कि भाई अतिक्रमण ना हो, और अतिक्रमण जिन लोगों ने भी किया है चाहे वो मेन बाजार में किया हो या बाहर हॉस्पिटल्स का है या कोई भी है, तो उसको सबको सख्ताई से लिया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैम होर्डिंग की बात कर ले तो अभी होर्डिंग वालों का पक्ष है कि उन्होंने लिख कर दिया था आके नगर परिषद, उसके बावजूद उन्होंने नहीं किया, इस वजह से हमने पैसे जमा नहीं कराए। होर्डिंग का दरअसल क्या है कि ऊपर से ठेका छोड़ा जाएगा चंडीगढ़ से, वो हमारे अंडर में नहीं है, तो इस वजह से अभी वहाँ पर मैं अब जो 34 साइट है होर्डिंग की उनकी बात कर रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले हटा दिया गया था फिर लग गया, तो इसमें कौन पैसा खा रहा है? उसके बारे में अभी मेरे को संज्ञान में आई ये चीज़ें, तो अभी देखते हैं कि भाई ये कैसे क्या गोल छोल बात चल रही है, उसको सख्ताई से लिया जाएगा जो भी बात है, ठीक है, कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। पार्किंग को लेकर पुलिस नोटिस जारी करी है, नगर परिषद को भी कार्रवाई करनी चाहिए, जो बिल्डिंग नक्शा पास होता है उसमें पार्किंग की व्यवस्था होती है लेकिन फिर वैसे जब देखते हैं तो होती नहीं है। नहीं अभी हमने ना पार्किंग की जगह तो चिन्हित कर ली है, तो अभी पार्किंग बनाई जाएगी और जो लोग बिना नक्शे के और ऐसे मतलब पार्किंग कर रहे हैं, अवैध पार्किंग है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक मैडम माइनस टेंडर की बात हुई थी आपकी जब मीटिंग हुई थी, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि माइनस टेंडर है वो तो सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार को उसमें फायदा है, तो ऐसे तो कोई भी प्रस्ताव पारित करेंगे तो वो तो लागू नहीं होगा, फिर भी माइनस में टेंडर हो रहे हैं। हाँ जी, ये दरअसल एक्चुअली जो सरकार की तरफ से कि माइनस के टेंडर को प्रदान की ऐसी पावर नहीं है कि वो रोक सकती है, तो मतलब अभी वैसे पार्षदों का है कि माइनस में मैडम टेंडर नहीं लगने चाहिए, लेकिन वो मेरी पावर में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ करते हैं, एक मीटिंग बुला के या तो फिर कॉन्ट्रैक्टर की उनसे बात करते हैं। लगातार जो पार्षद है लगातार भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं, कि क्या वजह है, कि क्या दिक्कत है, कहीं वास्तव में भ्रष्टाचार है कि पार्षदों में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है? अब ये तो मैं कह नहीं सकती कि काम भ्रष्टाचार तो नहीं है, कहीं दबाव है? नहीं, कोई दबाव नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। बार बार पार्षद चिल्ला रहे हैं आप, वो तो देखो अब इस बात के बारे में तो मैं क्या कहूँ, आप पार्षदों की बाइट लेंगे तो वही बताएंगे आपको। 2 लाख रुपए का मामला भी चला था पीछे, विजिलेंस ने जो कार्रवाई भी की थी, लेकिन अभी तक लगता नहीं कि उसमें कोई बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हाँ, लेकिन वह भ्रष्टाचार की बात तो आई थी, सब भ्रष्टाचार होता तो कार्रवाई होती उनके ऊपर, कुछ आपके सामने और नतीजे निकल कर के आते, हो सकता भ्रष्टाचार नहीं होगा तभी वो बात। तो बिल्कुल मान रहे हैं कि नहीं होगा, पर ये आपके पार्षद चुने हुए पार्षद, आपकी सरकार, आपके पार्षद ये बार बार कह रहे हैं कि जी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, तो कहीं लगता है कि ये ही कहीं कोई दिक्कत है पार्षदों में। अब ये तो मैं देखो किसी के बारे में नहीं कह सकती कि पार्षदों के बारे है में कहीं ना कहीं कुछ लगता है आपको भी, कुछ ना कुछ दिक्कत इनमें भी है। नहीं, मैं किसी के बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर सकती इस बारे में, सॉरी। हरियाणा प्रदेश की जनता जान गई है यार, किस किस ने लूटा है हमको बदल बदल अंदाज। राजे रजवाड़े तो गए, पर हरियाणा की राजनीति में कुछ परिवार नए रजवाड़े यानी राजघराने बने बैठे।
जो कि कई सौ सौ करोड़ के घरों में रहते हैं और उनमें सौ सौ करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। सोचिए इनका कौन सा बिजनेस सत्ता। ये राजनीतिक और अहंकारी राजघराने सत्ता में रहकर प्रदेश को लूट लूट कर 50-50 हजार करोड़ों की अपनी संपत्ति देश व विदेश में बनाने का काम करते आ रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि इन अहंकारी लुटेरे राजघरानों की लूट की दुकान बंद करवाने और प्रदेश के गरीब युवा किसान कर्मचारी छोटे व्यापारी मजदूर व महिला के हक और प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ूं? अगर हाँ तो अपनी सहमति व साथ देने के लिए 7834-800-800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़े। जनसेवक मंच से जुड़िए।